मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जी हाँ मित्रों, 300 सालों के इतिहास के बाद इस साल 2023 में 6 और 7 सितंबर यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष और दुर्लभ संयोग बन रहा है और इससे 5 राशियों की किस्मत में बम्पर लोटरी का योग बन रहा है। 5 राशियां मालामाल बनने वाली है, तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी 5 भाग्यशाली राशियों की तरफ। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों 300 सालों के इतिहास के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है और आपको बता दें कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ना वो भी इसी नक्षत्र में ही हुआ था। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण भी बन रहा है और चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 300 सालों के बाद अद्भुत और दुर्लभ संयोग से 5 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है, उनके ऊपर साक्षात मेहरबान होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गो माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गो माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गो माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गो माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गो माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखे होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि 6 सितंबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्वार्थ सिद्धि योग वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहां कहीं भी गो माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गो माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम भगवान श्री कृष्ण के जन्म वाले दिन तो कोई भी गो माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गो माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गो माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गो माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कट्टू सकती है। चलिए जान लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों कर्क राशि वाले लोगों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। 6 सितंबर के बाद से ही जिनकी भी कर्क राशि है उनको अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। 300 सालों के इतिहास के बाद राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और इस साल 2023 में सितंबर के महीने में अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं तो आपका प्रमोशन होगा, कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको मिल सकता है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका सहयोग बनेगा, भाग्य पूरी तरीके से फेवर में होगा और साथ ही अगर आप अपना स्वयं का या कोई भी पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, काम धंधा करते हैं तो भी सितंबर के बाद से ही कर्क राशि वाले लोगों का बहुत ही अच्छा और शानदार प्रॉफिट बनेगा, व्यापार में भी ग्रोथ होगा। इस साल आप कोई भी अच्छी और बड़ी अचल संपत्ति की खरीदारी भी कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से इस साल जन्माष्टमी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग के अंतर्गत आप राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की दोनों की ही पूजा एक साथ करें, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी और प्रभु का आशीर्वाद होगा। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना वो आती है सिंह राशि,
जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों इस साल की जन्माष्टमी सिंह राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और शुभ साबित होगी। आपकी तरक्की के प्रबल योग बन रहे हैं। बाल गोपाल श्री कृष्ण की कृपा से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। सुख और सौभाग्य में समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और कान्हा के आशीर्वाद से हर कार्य में अच्छे परिणाम हासिल होंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार में आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और साथ ही मित्रों माता लक्ष्मी जी की भी विशेष रूप से कृपा मिलने वाली है। नया मकान या नया वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। अचानक से धन का लाभ होगा और आपकी मैरिड लाइफ यानी कि पति पत्नी के बीच संबंधों में रिश्तों में भी सुधार देखने को होगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरु जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर कोई दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, भाग्य उदय कब होगा, परेशानियां कब समाप्त होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का या गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आकर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, ये आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जन्माष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से ही वृषभ राशि वाले लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की खास आपके ऊपर कृपा बरसेगी और मेहनत से किए गए सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति भी होगी। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में लाभ होगा और आप अपने विरोधियों को भी परास्त करके बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। पुरानी बीमारी से आपको निजात मिलेगी। नौकरी और व्यापार के लिहाज से दोनों ही परिस्थिति से यह समय बहुत ही अच्छा और उत्तम बन रहा है। धन का लाभ होगा जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान होगी। दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आप समय व्यतीत करने का सौभाग्य आपको मिलेगा और वहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े चाहे विद्यार्थी हो या कोई भी टीचर वगैरह हो या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनके लिए तो यह समय एकदम से भाग्य उदय होने जा रहा है। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा गया छह के को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से ही पूरा सितंबर का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इनकम के मामले में बहुत ही अच्छा होगा। धन प्राप्ति के नए नए स्रोत यानी कि नए नए माध्यम आपके लिए खुलते जाएंगे और बेकार के कानूनी पचड़ों से आपको बचने की सलाह दी जाती है। बाकी आपका भाग्य उदय होगा, शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी, अच्छी खासी इनकम अर्जित करने में सफलता मिलेगी, शुभ समाचार मिलेंगी, सकारात्मक नतीजे मिलने से आपका मन जो है वो प्रसन्न होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और दिसंबर तक आप किसी भी बड़े और पुराने कर्ज से भी छुटकारा पा सकते हैं, हल्कापन हो सकते हैं। आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना तो नौकरी में मित्रों आपको तरक्की
की ओर सफलता मिलने के योग है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, पूरे साल भर अगले 4 महीनों तक आपके हाथ में धन संपत्ति बनी रहेगी। अगर आप कोई भी बड़ी गाड़ी, मकान, जमीन, जायदाद, प्लॉट, वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए फेवर में बन रहा है। सितंबर और अक्टूबर ये दोनों ही महीने आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलने का और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय अच्छा और उत्तम बनेगा। सुख समृद्धि आपको मिलेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन का लाभ होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा। जो व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है, उनका कहीं भी विवाह का योग बन सकता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों